हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो है आज हम लोग थर्ड पेपर पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड पेपर के अंतर्गत जो है वो हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इंटर क्लास में सीखा था वेक्टर और कैलकुलस यानी डिफ्रेंसिएशन करना भी सीखा था, तो अब दोनों का मिक्सअप करना है। यानी इस तरीके के हमारे क्वेश्चन होंगे। अब जो फंक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो जैसे कि जितने भी फॉर्मूले जो हैं वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के सीखे थे इंटर क्लास में, वो सारे फॉर्मूले हमको यहां पर यूज करने हैं। और डिफरेंशिएशन जो है वो सिमिलर वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने किया था। एक चीज और कि यहां पर जो भी वेक्टर दिया गया होगा, जैसे अगर वेक्टर आर इक्वल लिखा है तो डी आर अपॉन डी टी जो है वो वेलोसिटी को यानी वेग को निरूपित करेगा, और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण को जो है वो निलोन करेगा। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूले अभी कोई नए हमको यूज नहीं करने। तो पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस, चैप्टर फर्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहां पर करना है। जैसे क्वेश्चन है, इफ वेक्टर आर इक्वल टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई माइनस टी यूनिट वेक्टर जे प्लस टू टी प्लस वन यूनिट वेक्टर के, देन फाइंड डी आर अपॉन डी टी एंड डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो। बुक में एरो लिखा हुआ नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर डार्क छपा होता है, और डार्क का मतलब ही होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब हम लोग तो डार्क बना नहीं सकते बार बार, इसलिए हम लोग एरो लगा लेते हैं। तो सिंपल सा है, डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, जो हमारा आर दिया है उसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएट करेंगे। तो टी स्क्वायर का टू टी और यूनिट वेक्टर आई माइनस टी का वन हो गया तो यूनिट वेक्टर जे बचा, प्लस टू टी, टी का वन यानी टू बचा और ये जीरो, तो टू यूनिट वेक्टर के, ये हमारा आ गया डी आर अपॉन डी टी। डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर यानी डी आर अपॉन डी टी को हम अगेन जो है वो हम डिफ्रेंसिएट करेंगे, तो टू टी तो टू यूनिट वेक्टर आई, और बाकी ये हमारे क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें टी नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, टू आई। ठीक, तो हम लोगों ने यहां पर सीखा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम किस तरीके से जो है वो डिफ्रेंसिएट करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप लोग सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाई, यानी जो मूविंग पार्टिकल है उसका पोजिशन वैक्टर दिया है वैक्टर आर इक्वल दिस, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल टू, यानी टी इक्वल टू पर हमें इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है। तो वेलोसिटी का भी बताया, डी आर अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो जो आर दिया है उसको टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंसिएट किया, एट टाइम टी यानी टी इक्वल टू रख दिया तो वेलोसिटी आ गई 3i प्लस 4j प्लस 48k, पहला आंसर हो गया। एक्सेलरेशन यानी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर यानी जो हमारा डी आर अपॉन डी टी आया है इसी को हम अगेन जो है वो डिफ्रेंसिएट करेंगे, और टी इक्वल टू पे बताना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जे प्लस 48k। ठीक, तो जो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेलरेशन को ये लिखते हैं, ठीक वही हमें यहां पर यूज करना है। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं और जो हमारा वेक्टर पार्ट है वो भी हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है। तो वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिलाकर जो है वो ये बुक बनाई गई है जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है, वेक्टर कैलकुलस। ठीक, तो ये थर्ड पेपर का पहले चैप्टर का एक टॉपिक था वो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में जो है वो हम और इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पिछले वीडियो जो है वो नहीं देखे हो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं जो कह रहे हैं कि मुझको जो है वो वीडियो पिछले मिले नहीं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से और फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर की अलग अलग लिस्ट है, और थर्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप सभी वीडियो पुराने जो हैं वो देख लीजिए, और कोई भी अगर डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एवलेट लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 वेक्टर आर डॉट
डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर वेयर वेक्टर आर इक्वल ये। ठीक, तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया डिफ्रेंसिएशन का, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इंटीग्रेशन का। कोई कठिन नहीं है, इसलिए एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले डी आर अपॉन डी टी निकाला, यानी जो आर था उसको एक बार डिफ्रेंसिएट किया, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगेन डिफ्रेंसिएट किया, फिर वेक्टर आर से डॉट किया। तो आर से डॉट, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमने पिछले साल इंटर क्लास में सीखा है, तो डॉट प्रोडक्ट करने पर हमारा ये आया। अब ये वैल्यू जो है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी जगह रख दिया, टी के रिस्पेक्ट में इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और फिर हमने इसमें लिमिट रखी। तो अपर लिमिट कितनी है 2, तो टी के आगे 2 रखा, इतना आया। फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1, तो हमने टी के आगे 1 रखा और कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 5202/15। ठीक, तो ये जो पहला चैप्टर हमारा था डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, वो हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें केवल डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन है वेक्टर क्वांटिटी का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो हम लोग अगला चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे।